हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो मेन फंडा है वो ये है कि हम मिनिमम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैक्सिमम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को जो है टारगेट करना चाहते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने थर्मोडायनेमिक्स का मैप आपके सामने प्रेजेंट किया है। आप सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखोगे वो है स्टेट डायग्राम। जब भी आप किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बात करते हो, नॉर्मली गैस जो कि एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर रखी हुई है, एक पिस्टन, मूवेबल पिस्टन है जो कि गैस को कंप्रेस कर सकता है या फिर गैस एक्सपेंड हो सकती है उस पिस्टन को मूव करते हुए, उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोला जाता है, जिसके बारे में हम नॉर्मली बात करेंगे। तो उसकी अलग अलग स्टेट्स को इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज जनरली प्लॉटेड बिटवीन पी एंड वी, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ड्रॉ किया जाता है इस ग्राफ को। जब भी किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर लेके जाते हो आप, ठीक है, जैसे प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, वहां से आप P2, V2, T2, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया। तो इस प्रोसेस में आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, मतलब सिस्टम को, गैस को कुछ वर्क करना पड़ेगा। और उस वर्क डन की वैल्यू आप आसानी से इस ग्राफ को देख के निकाल सकते हो। नॉर्मली वर्क डन जो होता है वो प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यूं कह लो प्रेशर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो जब भी आपको स्टेट डायग्राम दिया जाए और आपको वर्क फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है, राइट। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क अपने आप ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, राइट। इसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है सिस्टम को वो दो तरीके से यूटिलाइज हो सकती है। एक तो वर्क करने के अंदर यूटिलाइज हो सकती है, मतलब गैस को एक्सपेंड किया जा सकता है, और दूसरा उस गैस की टेम्परेचर को बढ़ाया जा सकता है, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया जा सकता है। सो दिस अमाउंट ऑफ हीट गिवन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब यहाँ पे देखो, जो डेल्टा क्यू है उसको पॉजिटिव माना जाता है जब सिस्टम के द्वारा हीट एब्जॉर्ब करी जाती है, सिस्टम को हीट दी जाती है, राइट। और डेल्टा क्यू को नेगेटिव माना जाता है जब सिस्टम के द्वारा हीट रिलीज की जाती है, यानी कि सिस्टम से आप हीट वापस से क्या निकाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। डेल्टा डब्ल्यू को पॉजिटिव माना जाता है जब गैस एक्सपेंड होती है, यानी कि गैस के द्वारा पिस्टन के ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया जाता है। और डेल्टा डब्ल्यू को नेगेटिव माना जाता है जब आपकी गैस जो है वो कंप्रेस होती है, यानी कि पिस्टन और सराउंडिंग के द्वारा गैस पर वर्क किया जाता है। तो इस इक्वेशन को याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं है, इस इक्वेशन को याद रखते समय आपको ये साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना देगा इस सेगमेंट को, राइट। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जब फर्स्ट लॉ की अपन बात करते हैं कि जब आप हीट दोगे तो स्टेट चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी का चेंज होने का मतलब है उसकी स्टेट चेंज होगी, राइट। अब ये जो काम है ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, और इसी के बेसिस पे बनती है हमारी अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ये सारी की सारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस है, मतलब इनके अंदर हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में काफी ज्यादा टाइम लिया जा रहा है, ठीक है ना। खैर, हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पर नहीं जाएंगे, हम इन सारी की सारी प्रोसेस की जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमें ध्यान रखनी है और न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएगी, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहने पर आपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के, यानी कि P1 अपॉन P2 किसके इक्वल हो जाएगा, T1 अपॉन T2 के इक्वल हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स करने के अंदर सेम फंडा यूज कर सकते हो। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि गैस ना तो कंप्रेस हो रही है ना एक्सपेंड हो रही है, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। अगर अमाउंट ऑफ वर्क डन जीरो हो जाएगा तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इस केस में आप जो भी हीट दे रहे हो सिस्टम को वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, वो सारी की सारी एक ही काम के अंदर यूटिलाइज होती है, वो वर्क तो कर रही नहीं है, केवल और केवल टेम्परेचर को इंक्रीज करने के अंदर यूटिलाइज होती है। तो उसको लिखा जा सकता है डेल्टा क्यू म्यू टाइम्स सीवी टाइम्स डेल्टा टी। यहाँ पर सीवी कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको कितनी हीट पर मोल देनी पड़ेगी। तो खैर, इस प्रोसेस के लिए उसको सीवी लिखा जाता है, सबको पता होगा ये चीज। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होगी। वॉल्यूम जो है वो हर पॉइंट के ऊपर आपका कांस्टेंट रह रहा है,
तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच की जो ग्राफ की स्लोप है वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी प्रोसेस जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप सबने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वॉल्यूम के, यानी कि P1 अपॉन P2 V2 अपॉन V1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगेन न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस चीज के ऊपर। इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, हीट गिवन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो, यानी कि आप इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज तो ला नहीं रहे, तो डेल्टा क्यू सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। इसलिए डब्ल्यू पूछो या फिर क्यू पूछो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इन दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब फॉर्मूला वॉल्यूम और टेम्परेचर के फॉर्म में भी हो सकता है और प्रेशर और टेम्परेचर के फॉर्म में भी हो सकता है, और आपको ध्यान रखना है ये होगा म्यू आर टी टाइम्स लॉग वी एफ डिवाइडेड बाई वी ई और म्यू आर टी लॉग पी आई डिवाइडेड बाई पी एफ। आप केमिस्ट्री में जब इस फॉर्मूला को यूज करते हो तो जो बेस है वो ई की जगह 10 यूज करते हो, इसलिए 2.303 और आ जाता है, राइट। तो आप फिजिक्स के अंदर तो खैर नॉर्मली न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उनके अंदर कैलकुलेशन इतनी इन्वॉल्व होती नहीं है, तो आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हो, राइट। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच का ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच की जो ग्राफ की स्लोप है वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस पी अपॉन वी के इक्वल हो जाएगी, नेगेटिव टाइम्स पी अपॉन वी। नेगेटिव तो होगी, ये तो आपको भी दिखाई दे रही होगी, राइट, कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, हमेशा आपको क्या दिखाई दे रही है, नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन सुनो तो इट इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू इंक्रीज टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर को तो चेंज कर ही नहीं रहे भले कितनी भी हीट दे लो, तो इस केस में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रख सकते हो आप। अगली प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो कहलाती है आइसोबारिक प्रोसेस। इसके अंदर प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के अंदर। इसमें जो वर्क होगा वो प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में भी ध्यान रखना है, फॉर्मूला पी टाइम्स वी एफ माइनस वी आई, और प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में भी ध्यान रखना है केवल और केवल टेम्परेचर की फॉर्म में भी आपको वर्क पूछा जा सकता है, तो वो हो जाएगा म्यू आर टाइम्स टी एफ माइनस टी आई। इसके अंदर जो हीट सप्लाई की जाएगी वो दोनों ही कामों के अंदर यूज की जाएगी, ठीक है ना, ये इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज करेगी और ये वर्क भी करेगी, ठीक है ना, गैस एक्सपेंड भी होगी इस एनर्जी की वजह से। तो जो आपने हीट दी है उसका कितना पोर्शन इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम में आएगा वो डिपेंड करेगा गामा के ऊपर, 1/γ के इक्वल होगा, और जो आपने हीट दी है उसका कितना पोर्शन वर्क करने के काम में आएगा अगेन वो डिपेंड करेगा गामा के ऊपर, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/γ। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और इसकी जो स्लोप है वो कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। इसके लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको सीपी लिखा जाता है, और सीपी और सीवी के अंदर क्या रिलेशन होता है वो अपन पढ़ेंगे अभी कुछ देर बाद में, पहले लास्ट प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं अपन, एंड दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम को हीट एब्जॉर्ब करने का या हीट रिलीज करने का मौका ही नहीं मिलता, यानी कि जो सडन प्रोसेसेस होती है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आती है। तो इसमें डेल्टा क्यू 0 हो जाता है। अब अगर डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा तो जो du है वो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि अगर इसमें गैस एक्सपेंड होती है यानी कि वर्क पॉजिटिव होता है तो du नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो अगर एडियाबेटिकली कोई गैस एक्सपेंड होती है तो वो ठंडी हो जाती है, और अगर एडियाबेटिकली कोई गैस कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये डायरेक्ट यहां का कॉन्सिक्वेंस है। इसके लिए जो आपको मेन चीज ध्यान में रखनी है वो ये 3 इक्वेशन है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में बात किया जाए तो प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम की पावर गामा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो आप इक्वेशन यूज कर सकते हो P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 की पावर गामा, या फिर टेम्परेचर वॉल्यूम की टर्म्स में बात करी जाए तो टेम्परेचर और वॉल्यूम की पावर गामा माइनस वन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। टेम्परेचर और प्रेशर की बात करी जाए तो टेम्परेचर की पावर गामा प्रेशर की पावर 1 - γ जो है इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो कोई से भी एक चीज याद रख लो, फिर PV इज इक्वल टू म्यू आर टी इक्वेशन यूज करके आप बाकी दो डिराइव भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा स्पीड बढ़ेगी, आप तीनों चीजें ध्यान रख लो, राइट। इसके अंदर जो
वर्क डन होगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, और केवल और केवल टेम्परेचर की टर्म्स में भी पूछा जा सकता है, उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू आर टाइम्स टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ है वो दिखने में ऐसा ही होगा, दिखने में ऐसा ही होगा, बट अगर आप आइसोथर्मल से कंपेयर करोगे तो उसकी स्लोप जो है वो और ज्यादा नेगेटिव होगी, यानी कि थोड़ा सा एडियाबेटिक का ग्राफ जो है वो और ज्यादा स्टीप मिलेगा आपको, और ज्यादा स्लोप वाला ग्राफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्लोप की वैल्यू आती है माइनस गामा टाइम्स पी अपॉन वी। गामा नॉर्मली वन से बड़ा नंबर होता है, इसलिए जो आइसोथर्मल के लिए इसकी स्लोप थी उसके कंपेरिजन में इसकी स्लोप थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव होगी। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो मोनोएटॉमिक गैस जो है उसके लिए ग्राफ जो है वो सबसे ज्यादा स्टीप हो जाएगा, डायटोमिक के लिए और थोड़ा सा कम, और ट्राईटोमिक के लिए या पॉलीएटोमिक के लिए थोड़ा सा और कम स्टीप हो जाएगा ग्राफ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात करें तो सीवी जो है उसकी वैल्यू आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन के इक्वल होगी, सीपी की वैल्यू गामा टाइम्स आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन के इक्वल होगी, गामा की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में अगर आप ध्यान रखना चाहते हो तो वन प्लस टू अपॉन एफ होगी, और अगर आपकी कोई भी थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस पी वी की पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो पी वी की पावर गामा होती इस फॉर्म में लिखी जाती है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो अपन पहले इसकी बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम लिख सकते हो P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि V की पावर कितनी है 1, यानी कि X की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ पे जैसे ही 1 रखोगे 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और जैसे 0 रखोगे तो ये वाली टर्म हो जाएगी इन्फिनिटी। अब ये कितनी भी हो उसमें आप इन्फाइनेट ऐड कर रहे हो तो सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, इन्फाइनेट आ जाएगी। और अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करते हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी की पावर गामा जो है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे गामा रखोगे तो आर अपॉन गामा माइनस वन और आर अपॉन वन माइनस गामा ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, अगर आप माइनस साइन निकालोगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और इसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इनफाइनाइट, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जीरो। तुम यूँ भी ध्यान रख सकते हो कि इसमें डेल्टा क्यू जीरो है, तो आप टेम्परेचर कितना भी चेंज रहा आपको हीट देनी नहीं पड़ रही, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, जीरो होगी, राइट। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप देखोगे कि क्वेश्चंस के अंदर आपको डायरेक्ट यूज होते हुए नजर आएगी, और क्योंकि एक एज अ होल आपने एक पिक्चर के अंदर ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखी है, तो आपके लिए इनको एक दूसरे से कनेक्ट करना भी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे हीट इंजन्स के बारे में, जो कि लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो लॉ क्या है, उसके क्या थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स है, वो तो सबने आपने पढ़े हुए होंगे, दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। हाँ, इनकी वर्किंग जो है, मतलब इनकी जो प्रोसेस जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो हीट इंजन के अंदर क्या होता है कि एक आपका होता है सोर्स, या फिर इसको रिजर्वायर भी बोलते हैं। रिजर्वायर का मतलब है आपका एक संग्रह जहाँ से आप जितनी चाहो उतनी हीट निकाल सकते हो, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आपका सिस्टम जो है वो कुछ हीट जो है एब्जॉर्ब करता है। अब इस हीट को वो कुछ तो कर लेता है वर्क, यानी कि एक्सपेंड होने के अंदर यूज, और जितनी बचती है हुई हीट उसको कहाँ पर डाल देता है, एक लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी, सिंक। ये ऐसी बॉडी है जिसको आप कितनी हीट दे लो आप इसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी रिजर्वायर से हीट ली जाएगी या सिंक को हीट दी जाएगी, ठीक है, तो आइडियली, मतलब अपन बिल्कुल आइडियल इंजन बनाना चाहें तो ये दोनों की दोनों प्रोसेस कैसी मानी जाएगी, आइसोथर्मल मानी जाएगी। और उसके बाद में जब ये वर्क किया जाएगा उस कंडीशन में आपकी जो प्रोसेसेस है, नॉर्मली वर्क दोनों कंडीशन में किया जाएगा आइसोथर्मल, एक और प्रोसेस होगी जिसको अपन बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जब अपन एक आइडियल इंजन बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारी दो प्रोसेसेस आइसोथर्मल हो जाएगी और दो प्रोसेसेस एडियाबेटिक हो जाएगी, और उसी इंजन को बोला जाता है कारनोट इंजन, ठीक है। और वहीं से अपन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लेके आएंगे। तो पहले तो हीट इंजन समझो, ठीक है ना। इसकी जो एफिशिएंसी है
वो किसके इक्वल होगी, टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय टी वन के इक्वल होगी, या हीट की फॉर्म में लिखो तो क्यू वन माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाय क्यू वन के इक्वल होगी, यानी कि आपका कितना पोर्शन एब्जॉर्ब्ड हीट का किसमें कन्वर्ट हो गया, वर्क में। तो Q1 आपने एब्जॉर्ब किया था, Q2 दे दिया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, W की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नॉर्मली W जो होगा वो Q1 माइनस Q2 के इक्वल होगा, तो इसलिए इन दोनों का रेशियो ले लिया और इसी को टेम्परेचर की फॉर्म में लिख दिया, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो है वो इसका उल्टा सिस्टम है, इसमें एक लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी जिसका टेम्परेचर कम होता है उससे हीट आप एब्जॉर्ब करते हो और इसको एक हायर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर करते हो। नेचुरली तो ऐसा होगा नहीं, नेचुरली तो ऐसा थोड़ी ना कि ठंडी बॉडी से हीट निकल रही है और गर्म बॉडी की तरफ जा रही है। ऐसा होता तो आपकी टेबल पर रखी हुई बोतल जो है वो अपने आप ही गर्म होती हुई नजर आती है आपको, राइट? बट ऐसा नहीं होता, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मैकेनिकल वर्क भी करना पड़ेगा। तो कॉफिशियंट ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होगा, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा, बीटा लिखा जाता है, वो टी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू के इक्वल हो जाएगा, या फिर क्यू टू अपॉन क्यू वन माइनस क्यू टू के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा कितनी हीट एब्जॉर्ब करने के एक्सपेंस पर, राइट? तो Q2 डिवाइडेड बाय W के इक्वल होगा, W को आपने Q1 माइनस Q2 लिख दिया। कई बार बीटा और इसकी इफिशियंसी जो ईटा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन भी पूछा जाता है, तो बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन ईटा माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। कार्नोट साइकिल के लिए मैंने बताया था, एक आइडियलाइज्ड इंजन है जिसमें आप सबसे पहले आइसोथर्मली गैस को एक्सपेंड करते हो, ठीक है, फिर उसके बाद में उसको सिंक के टेम्परेचर पर भी तो लेके जाना है, तो T1 से T2 पर लाने के लिए उसको एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हो, फिर सिंक के कांटेक्ट में लाके उसको कंप्रेस करते हो। अब की बार वापस से कैसा कंप्रेशन होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, और फिर उसके बाद में वापस से T1 पर लाने के लिए आपको ये साइकिल चलाना है ना पूरा का पूरा, तो वापस से आप इसको एडियाबेटिकली कंप्रेस करते हो। तो ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है और ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस है। ग्राफ मैंने बताया था ना, एडियाबेटिक का थोड़ा ज्यादा स्टीप होता है, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो इन चारों के अंदर जो वर्क होगा, W1 वहां पर हीट एब्जॉर्ब हो गई, W3 यहां पर हीट रिलीज हो गई, तो फॉर्मूलाज जो है वो तो हमने पढ़ी लिए थे आइसोथर्मल के टाइम पे। W2 और W4 जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान किया गया वर्क है, उन दोनों के भी फॉर्मूला वही है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है, इसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होती है और इसकी भी 100% नहीं होती, यही आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। आप चाहे जो कर लो, आप 100% इफिशियंसी के साथ हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट है, उनमें से एक ये है, ठीक है ना। खैर, हमें तो ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखनी है। अब इतनी कम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या वाकई बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो वही है, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आपको दे दी गई है। अब आपको चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को कितना बेटर लिंक कर पाते हो, और वो आपको सीखना है मेरे साथ इन क्वेश्चंस के अंदर, राइट? पहला क्वेश्चन, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज चेंज इन सच ए मैनर दैट गैस रिलीजेज 20 जूल्स ऑफ हीट एंड 8 जूल्स ऑफ वर्क वॉज डन ऑन द गैस। इफ द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस वॉज 30 जूल्स देन फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि यार हीट दी जा रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज करी जा रही है, वर्क किया जा रहा है, और ये तीनों क्वांटिटीज कहां पर रिलेट हो रही थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर रिलेट हो रही थी। यानी कि हमें फॉर्मूला ये लगाना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब मैंने बताया था मेन बात है आप साइन कन्वेंशन कितना बेटर तरीके से यूज करते हो। देखो, हीट जो है रिलीज हो रही है, मैंने बताया था जब हीट रिलीज होती है तो डेल्टा क्यू को माना जाता है नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस 20 जूल के इक्वल। ऐसे डेल्टा डब्ल्यू की बात करें, वर्क गैस पर किया जा रहा है, और जब गैस पर सराउंडिंग या पिस्टन के द्वारा वर्क किया जाता है तो उसको भी क्या माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, माइनस 8 जूल। और जो डी यू है उसको तो अपन लिख सकते हैं यू एफ माइनस यू आई, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। सबकी वैल्यू रखते हैं, माइनस 20 इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई एंड माइनस 8। इस माइनस 8 और यू आई दोनों को इधर ले आते हैं, तो माइनस 20 प्लस यू आई एंड प्लस 8 इज इक्वल टू यू एफ। सबकी वैल्यू रखते हैं,
माइनस 20, यू आई कितना है 30, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू यू एफ, यानी कि यू एफ की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 18 जूल निकल के आएगी। तो ऑल दो आपको फॉर्मूला सबको पता है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते क्योंकि उनको वो नहीं पता जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर बताया गया है। साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है और फिर आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी अलोंग पाथ ए सी बी, इट इज फाउंड दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू 200 जूल इज एब्जॉर्ब्ड by the system and a work W is equals to 80 joule is done by it. Along the path ADB, the work done along the path ADB Q is equals to 144. The work done along the path ADB is. तो basically हमें क्या करना है, हमें ए डी और बी इस दौरान जो वर्क किया गया है वो निकालना है। तो यहां पर हम एक चीज नोट कर सकते हैं कि ए सी बी जो पहला वाला पाथ था उसके अराउंड हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो भी हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलो तो हम इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। इट इज फाउंड दैट अ क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू इज इक्वल टू 200 जूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है, तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 200 जूल हो जाएगी। एंड अ वर्क, अच्छा आप लोगों को वर्क दे रखा है 80 जूल इज डन बाय इट, वर्क किया जा रहा है, तो डेल्टा डब्ल्यू कितना हो गया आपका 80 जूल हो गया, यानी कि आप आसानी से डी यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 200, डी यू आपको निकालना है और डेल्टा डब्ल्यू कितना है 80, तो डी यू की वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 80 यानी कि 120 जूल। अब इसका देखना कहां से रिलेशन निकलेगा, जब आप इस पाथ के अलोंग ले जाते हो ए डी बी के अलोंग, तो आप नोटिस करो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। जब आप ए सी बी के अलोंग लेके गए थे तब भी ए से बी पर जा रहे हो, जब ए डी बी के अलोंग लेके जा रहे हो तब भी ए से बी पर जा रहे हो, यानी कि इसके लिए भी डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 जूल हो जाएगी। तो ये तो था अपना फॉर ए सी बी और ये हो गया अपना फॉर ए डी बी, और अब की बार हमें डी यू ऑलरेडी पता है कितना होगा 120 जूल होगा। हमें डेल्टा क्यू दे रखा है कितना 144 जूल, और अगेन हीट जो है वो दी जा रही है, कहा नहीं गया बट दी ही जा रही है, ठीक है ना, और आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा डब्ल्यू। अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, तो 144 इज इक्वल टू 120 प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 144 माइनस 120 यानी कि 24 जूल्स। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन जो है उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। फर्स्ट थॉट हमारे दिमाग में ये आएगी अगर ग्राफ की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो हम एरिया अंडर द कर्व वाले फंडे को यूज करते, बट ग्राफ केवल और केवल हमें इंडिकेट कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो दोनों के दोनों प्रोसेस के लिए सेम है, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है, सारा का सारा डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट। In a cycle shown on the PV diagram, the magnitude of work done is, तो मैंने आपको बताया था magnitude जो होता है वो हमेशा किसके equal होता है, area covered by the curve के equal होता है। अब इसमें यहां से यहां तक की बात करोगे तो positive work हो रहा है और यहां से यहां तक की बात करोगे तो negative work हो रहा है। अपन अलग अलग निकालेंगे, इससे बढ़िया हम इस पूरे के पूरे curve का जो अंदर का area है वो find out कर लेते हैं। अब उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, थोड़ा सा वही कनेक्ट किया गया है क्वेश्चन में, सर्कल का एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालने की रेडियस चाहिए और रेडियस हमें कितनी दे रखी है, या तो तुम डायामीटर लिखो तो कितना लिखोगे V2 माइनस V1, भाई डायामीटर की अगर इंफॉर्मेशन लिखोगे तो या तो लिखोगे V2 माइनस V1 या फिर डायामीटर को आप लिख सकते हो सिंपल P2 माइनस
पी वन माइनस पी टू, ठीक है, हायर में से लोअर को माइनस करना, पी वन माइनस पी टू। तो जो आपकी रेडियस होगी इस सर्कल की वो आइदर वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टू हो जाएगी और पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाय टू हो जाएगी, यानी कि इसका जो एरिया जो कि वर्क डन के इक्वल होगा वो आइदर पाई इंटू वी टू माइनस वी वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर के इक्वल हो जाएगा और पाई इंटू पी वन माइनस पी टू इंटू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर के इक्वल हो जाएगा, या फिर पाई डिवाइडेड बाय फोर वी टू माइनस वी वन और पी वन माइनस पी टू इसके इक्वल हो जाएगा। भाई रेडियस ही तो है ना दोनों, तो तुमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियस का स्क्वायर ही तो करना था। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पाई टाइम्स पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाय टू होल स्क्वायर, अगेन दिस ऑप्शन इज करेक्ट, पाई टाइम्स वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय टू होल स्क्वायर, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, पाई बाय फोर पी टू माइनस पी वन वी टू माइनस वी वन और ये हो जाएगा पी टू। ऑप्शन नंबर फोर और ऑप्शन नंबर थ्री तो जो है वो डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरीके से, ठीक है। आई होप इसमें से एक ऑप्शन जो है उसमें ये जो टू है वो स्क्वायर के अंदर नहीं होगा, तो आप दोनों में से जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे ऑप्शन से मैच करेगा उसको लगा सकते हो, जैसे अपन इस ऑप्शन को लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे हो सकता है स्क्वायर ना दिया हुआ, ठीक है ना, तो फिर आपका ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पी टू माइनस पी वन का स्क्वायर करो या पी वन माइनस पी टू का स्क्वायर करो, दोनों बात सेम है, ठीक है ना, तो ये चीज आपको करनी है। मेन फंडा ये था कि अपनों को इसकी रेडियस वगैरह निकाल के इसका एरिया फाइंड आउट करना और उसको वर्क से रिलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द डायग्राम वन टू फोर ऑफ वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद चेंजिंग प्रेशर इज शोन, अ गैस इज टेकन अलोंग द पाथ ए बी सी डी ए, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी। अब देखो इसमें बेसिकली अपनों को चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है, ठीक है, और सारे के सारे केसेस के अंदर आप ए से घुमा फिराकर वापस ए पर ही ला रहे हो। ध्यान दो, इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी इनिशियल स्टेट भी ए है, आपकी फाइनल स्टेट भी ए है, और चेंज इन स्टेट कितना है, जीरो, भले ही प्रोसेस अलग अलग यूज करिए, तो चारों ही प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और जीरो होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फोर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे दौड़ते और अलग अलग दिमाग लगाते, बट आपको हल्की सी बात जो है वो याद आते ही ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड्स के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ जो वर्क डन है उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में बताओगे, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये वो सब कुछ, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 8 डिवाइडेड बाय 27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इफ गामा इज इक्वल टू 5/3 देन राइज इन टेम्परेचर इज। तो मैंने बताया था आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो अगर आपको याद नहीं आता है तो आप यहां से शुरू कर सकते हो कि पी वी की पावर गामा जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब आपको प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ, आपको तो किसकी फॉर्म में दी हुई है इंफॉर्मेशन, टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में दे रखी है, तो आपको पता है पी वी किसके इक्वल होता है, म्यू आर टी के इक्वल होता है, तो पी की जगह आप रख सकते हो म्यू आर टी डिवाइडेड बाय वी, और जैसे ही यहां पर रखोगे तो ये हो जाएगा म्यू आर टी डिवाइडेड बाय वी टाइम्स वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर टी और वी को छोड़ दे तो बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, तो टी टाइम्स वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट ध्यान होनी चाहिए, बट मैंने जैसा बताया था डायरेक्ट ध्यान ना हो तो आप इस तरीके से फटाफट से डिराइव भी कर सकते हो। अब इस इंफॉर्मेशन का मतलब है कि टी वन डिवाइडेड बाय टी टू जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है, वो वी टू डिवाइडेड बाय वी वन की पावर गामा माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। तो आइडियल गैस थी पहले 27 डिग्री सेल्सियस पर थी, इस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम,
तो अगर अपन V1 को V माने, ठीक है, तो V2 कितना हो गया, 8/27 हो गया, 8/27 ऑफ V हो गया। गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/3, तो 5/3 में से अगर अपन 1 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 2/3 हो गई। देखो V से V कट गया, इसको अपन लिख सकते हैं 8/27 की पावर 1/3 एंड की पावर 2। तो 8 की पावर 1/3 कितनी होती है, 2, 27 की पावर 1/3 कितनी होती है, 3, और उसका अभी भी अपने को स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा 4/9। तो T1/T2 जो होगा वो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, 4/9 के इक्वल हो जाएगा। तो जो T2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 9/4 टाइम्स, T2 को उधर ले जाएंगे तो 9/4 टाइम्स T1 के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान रखना, यहां पर जो टेम्परेचर है वो आपको किसके अंदर रखना है, केल्विन के अंदर रखना है, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 0, अगेन 0 एंड 3, तो 300 केल्विन होगा। तो यहाँ पे जैसे 300 केल्विन रखेंगे तो 9/4 इंटू 300, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/5, 9 × 5 = 45, 7, 63 and 4 = 67, ठीक है। तो 675 केल्विन जो है उसमें से आप 300 केल्विन को माइनस करोगे तो जो राइज इन टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होगा, 375 केल्विन के इक्वल होगा। तो थोड़ा क्वेश्चन को बिटवीन द लाइंस पढ़ना, गलती मत कर देना, गलतियां बहुत नुकसानदायक होगी इतना क्वेश्चन को ढंग से टैकल करने के बाद में, राइट। तो ऑप्शन लगाते टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अ गैस फॉर विच गामा इज इक्वल टू 5/3 इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर सारा का सारा काम किया जा रहा है, द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट गिवन दैट विल बी यूज फॉर एक्सटर्नल वर्क। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा Q जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 upon 1 minus 1 upon गामा के इक्वल होता है। गामा हमें दे दिया गया है तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 1 minus 1 divided by 5 divided by 3, ऊपर चला जाएगा 3, 1 minus 3 divided by 5, यानी कि 5 minus 3 करोगे तो 2 divided by 5, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40%। तो डायरेक्ट हमारे काम में आ गई इन्फॉर्मेशन, चुटकियों में सॉल्व हो गया हमारा सवाल, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट। 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T1 एक्सपेंड्स अकॉर्डिंग टू द लॉ P/V² इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, द वर्क डन बाय गैस टिल टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम्स T2। तो टेम्परेचर T2 हो जाए तब तक गैस के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारा जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, आप बोलोगे सर वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और प्रेशर हमें किसके इक्वल दे रखा है, कॉन्स्टेंट ए टाइम्स V² टाइम्स वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, राइट। तो हमारा वॉल्यूम कहां से कहां जा रहा है, जैसे सपोज करो V1 से V2 की तरफ जा रहा है, ए तो कॉन्स्टेंट है, V² का इंटीग्रेशन हो जाएगा V³/3, और यहां पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा V² - V1³/3, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा। अब खास बात ये है कि यहां पर हमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसकी वैल्यू किसकी फॉर्म में पूछी गई है, टेम्परेचर की फॉर्म में पूछी गई है, ठीक है। तो टेम्परेचर की फॉर्म में पूछी गई है तो हम यहां पर वही फंडा यूज करेंगे जो अभी अभी हमने यूज किया था एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ये कॉन्स्टेंट है, और प्रेशर की जगह हम रख सकते हैं μRT/V, तो डिवाइडेड बाय V करते हैं V³ हो जाएगा, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि T/V³ भी किसके इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, इसको कांस्टेंट A रख देते हैं, ठीक है ना, तो इसको A रखा
तो ये किसके इक्वल हो गया, ए डिवाइडेड बाय म्यू आर के इक्वल हो गया, यानी जो टेम्परेचर है वो ए डिवाइडेड बाय म्यू आर टाइम्स वी क्यूब के इक्वल हो गया, यानी कि वी टू क्यूब जो होगा वो तो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू आर टी टू डिवाइडेड बाय ए के इक्वल हो जाएगा, और वी वन क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू आर टी वन डिवाइडेड बाय ए के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन यहां पे रख देंगे, तो ए टाइम्स इसकी जगह ये रखेंगे तो म्यू आर टी वन डिवाइडेड बाय ए, और इसकी जगह ये रखेंगे तो म्यू आर यहाँ पे आएगा टी टू, यहाँ पे आएगा टी वन, माइनस साइन लगा देंगे, डिवाइडेड बाय ए और डिवाइडेड बाय थ्री चली रहा है, ए कॉमन आके कट जाएगा और म्यू आर अपन वैसे बाहर निकाल लेता है, टाइम्स टी वन माइनस टी टू माइनस टी वन। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, म्यू आर डिवाइडेड बाय थ्री टी टू माइनस टी वन। अच्छा म्यू जो है वो है अमाउंट ऑफ गैस यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, और वो हमें कितना दे रखा है, वन मोल दे रखा है, तो म्यू की जगह वन रखेंगे तो वन बाय थ्री आर टाइम्स टी टू माइनस टी वन, ऑप्शन नंबर टू जो है वो क्या हो जाना चाहिए, हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एयर इज फिल्ड इन अ ट्यूब ऑफ द व्हील ऑफ अ कार एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटीएम प्रेशर एंड इफ द ट्यूब इज सडनली बर्स्ट, पूरा का पूरा क्वेश्चन इन दो वर्ड्स के अंदर छुपा हुआ है, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर विल बी। इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर इसमें प्रोसेस तो दी हुई नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, तो क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया हुआ है, मैंने बताया था जितनी भी सडन प्रोसेसेस होती है वो सारी की सारी एडियाबेटिक प्रोसेसेस होती है, यानी कि जो क्वेश्चन में प्रोसेस दी गई है वो कैसी प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात करी जा रही है, तो उनके बीच का रिलेशन होता है टी की पावर गामा पी की पावर वन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर आपको ये रिलेशन याद भी नहीं है तो मैंने आपको बताया था डिराइव करके, आप उस तरीके से डिराइव कर सकते हो। खैर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग टी वन की पावर गामा पी वन की पावर वन माइनस गामा इसके इक्वल हो जाएगा टी टू की पावर गामा पी टू की पावर वन माइनस गामा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ना, तो टी वन रखो या पी वन रखो या टू रखो, कंडीशन दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि T2 अपॉन T1 की पावर गामा की जो वैल्यू है T2 अपॉन T1 राइट, वो किसके इक्वल हो जाएगी, P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा के इक्वल हो जाएगी, या फिर अगर आप गामा क्योंकि 1 से बड़ा होता है तो गामा को पहले लिखना चाहते हो 1 को बाद में लिखना चाहते हो तो इन दोनों को उल्टा कर लो, ये हो जाएगा पी टू डिवाइडेड बाई पी वन की पावर गामा माइनस वन। ठीक है, अब देखो हम सबकी वैल्यू रखते हैं, T2 तो हमें फाइंड आउट करना है, T1 की वैल्यू केल्विन के अंदर रखना कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, इसकी पावर गामा, P2 बर्स्ट हो चुका है आपका टायर एटमॉस्फेयर के संपर्क में आ चुका है तो प्रेशर कितना हो जाएगा 1 एटीएम के इक्वल हो जाएगा, और P1 आपको कितना दे रखा था 2 एटीएम, गामा माइनस वन करोगे यानी कि 1.5 माइनस वन, यहाँ पे गामा की जगह अपन कितना रख देंगे 1.5 रख देंगे, तो आ जाएगा T2 डिवाइडेड बाय 300 की पावर 1.5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 0.5। अब यहां से जितनी पावर आप हटाना चाहते हो ना दूसरी तरफ उतना ही डिवाइड कर दो पावर को, तो T2 डिवाइडेड बाय 300 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 बाय 2 की पावर 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। जैसे स्क्वायर को हटाने के लिए अपन दोनों तरफ रूट ले लेते हैं ना, क्यूब को हटाने के लिए दोनों तरफ अपन 1/3 ले लेते हैं पावर, वैसे पावर 1.5 को हटाने के लिए अपन दोनों तरफ 1.5 से डिवाइड कर देंगे पावर को, इधर तो रह जाएगी 1 और इधर आ जाएगी, और 0.5 से 1.5 को काटोगे तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/3, यानी कि टी टू की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 300 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/3, और 2 की पावर 1/3 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्यों दे रखा है वो अब आपको समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन के अंदर यूज होगा, तो 300 डिवाइडेड बाय 1.251। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे और आपको फाइनल टेम्परेचर ऑफ एयर फाइंड आउट करना है तो कैलकुलेट करोगे तो आंसर किसके अंदर आएगा, आपका केल्विन के अंदर आएगा, 300 से थोड़ा कम होगा, ठीक है ना, और जब आप फाइनल कैलकुलेशन करोगे आप इस डिवीजन को सॉल्व करके देखोगे तो फिर आपको कौन सा आंसर आता हुआ नजर आएगा, -33 डिग्री सेल्सियस। आप बोलोगे सर 300 को इससे डिवाइड करने पर तो 33 तो नहीं आएगा,
आंसर आएगा आपका केल्विन में, और फिर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए अपन 273 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको करनी है। आप देखो कि आंसर कितना आ जाएगा, -33 डिग्री सेल्सियस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम V1 टू वॉल्यूम V2 इन थ्री प्रोसेसेस शोन इन द फिगर, इफ यू ए, यू बी, यू सी एंड यू डी रिप्रेजेंट द इंटरनल एनर्जीज ऑफ द गैस इन स्टेट ए, बी, सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यू बी माइनस यू ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यू बी, यू सी और इनके बारे में पूछा गया। देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं, क्योंकि बी, सी और डी अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनकी इंटरनल एनर्जी तो सेम नहीं हो सकती। यानी कि ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये वाला जो ऑप्शन है यही आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। जैसे एक चेक कर लेते हैं, यू बी माइनस यू ए, यहाँ पर यू बी और ये यू ए, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में जितनी भी हीट आप देते हो वो सारी की सारी आइसोबारिक के अंदर, ऑब्वियसली जब आप हीट दे रहे हो, सॉरी आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसके अंदर जब आप हीट देते हो तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है वो आपका कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और आपकी जो इंटरनल एनर्जी है यू बी माइनस यू ए, तो आप आइसोबारिक जो भी प्रोसेस होती है उसके फंडे यूज कर सकते हो और उससे फाइंड आउट कर सकते हो कि जो बी वाली पोजीशन है वहां पर इंटरनल एनर्जी ए वाली पोजीशन के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में जब आप हीट देते हो तो वो वर्क भी करती है और साथ ही साथ में इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज भी करती है। आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, सी और ए की बात करें, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की वजह से आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि यू सी माइनस यू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइडियल गैस है, तो ये केस भी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेम तरीके से आप यू डी माइनस यू ए के बारे में बात कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, अ कार्नोट इंजन टेक्स 3×10⁶ कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर एंड 627 वो 3×10⁶ कैलोरी ऑफ हीट जो है उसको अपन जूल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, एंड गिव्स इट टू अ सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस, देन वर्क डन बाय द इंजन। तो वर्क डन बाय द इंजन अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है जो वर्क डन होता है कार्नोट इंजन के अंदर वो किसके इक्वल होता है, Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है, ठीक है, ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर एट 620 डिग्री सेल्सियस एंड गिव्स इट टू अ सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस। और इफिशियंसी से हमें पता है कि Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 किसके इक्वल होता है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास में सारी चीजें, हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये W हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना है, Q1 हमें दे रखा है कितना, 3×10⁶ कैलोरी, ठीक है, T1 माइनस T2, तो T1 हो गया हायर टेम्परेचर, T2 हो गया लोअर टेम्परेचर, 627 में से 27 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय T1, तो 627 डिग्री सेल्सियस को जब आप केल्विन के अंदर कन्वर्ट करोगे, तो केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपन 273 ऐड कर देते हैं, 7 और 3 10, पावर चली जाएगी 1, अगेन 10, पावर चली जाएगी 1, और ये आ जाएगा आपका 628 और 1 9, तो 900 आ गया। 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2×10⁶ कैलोरी, ठीक है। और जब अपन कैलोरी को जूल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, W इज इक्वल टू जे एच फॉर्मूला आपने सुना होगा, ठीक है, तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8.4×10⁶ जूल, ठीक है, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा।
ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्नोट इंजन शोज इफिशियंसी ऑफ 40% ऑन टेकिंग एनर्जी एट 500 केल्विन, टू इंक्रीज द इफिशियंसी टू 50% एट व्हाट टेम्परेचर इट शुड टेक एनर्जी। ठीक है, तो अभी इसकी इफिशियंसी जो है वो 40% है ऑन टेकिंग एनर्जी एट 500 केल्विन, यानी कि T1 अपनों को कितना दे दिया गया है, 500 केल्विन दे दिया है, और T2 को अपन मान लेते हैं सपोज करो T, तो इफिशियंसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इफिशियंसी होती है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, यानी कि 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, तो ये कितनी दे रखी है अपनों को, 1 माइनस T2 की जगह तो रख दिया T और T1 की जगह रख दिया अपनों ने 500 केल्विन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में हमें दे रखा है, ये किसके इक्वल दे रखी है हमें, 40 के इक्वल दे रखी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 को 500 से 1/500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल और केवल 5 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 40, 40 को इधर, T/5 को उधर, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 40 करेंगे तो 60, तो T की वैल्यू आ जाएगी 5 × 6 दैट इज 300 केल्विन। तो जो T2 जो है वो किसके इक्वल है, 300 केल्विन के इक्वल। तो फिर तो अब आसानी से अपन सेकंड पार्ट कर ही सकते हैं, अब की बार हमें एफिशिएंसी कितनी चाहिए, 50% चाहिए, ठीक है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस, अब की बार T2 जो है सिंक का टेम्परेचर है वो हमें ऑलरेडी पता है, और अब की बार हमें किसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, रिजर्वायर का, तो उसको अपन क्या रख देते हैं, T- रख देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 300 डिवाइडेड बाय T- इसकी वैल्यू, अच्छा इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 जरूर कर देना, ठीक है, तो 300 इसको पहले 100 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 − 300 डिवाइडेड बाय T-, कैलकुलेशन में गलती मत कर देना, इसको इधर लाते हैं इसको उधर ले जाते हैं, तो 300 डिवाइडेड बाय T-, 1 − 1/2, 2 में से 1 गया, 1 − 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो T- की वैल्यू आ जाएगी 2 × 300 दैट इज 600 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो थोड़ा एक बार जो अपनी कैलकुलेशन है उसको वेरीफाई कर लेना, हो सकता है स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्रों में मैं कुछ मिस्टेक कर दूं, ठीक है, बाकी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, पहली जो पोर्शन है उससे हमें सिंक का टेम्परेचर निकालना है और उसको फिर दोबारा दूसरी कंडीशन में यूज करके हम वापस से रिजर्वायर का नया टेम्परेचर है सेकंड कंडीशन में वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 50% एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक इज दिस, इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज केप्ट कॉन्स्टेंट इट्स एफिशिएंसी रेज्ड टू 60%, देन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ सिंक विल बी, अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कितनी दे रखी है आपको, 50%, परसेंट का मतलब है 100 से डिवाइड कर दो, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना दे रखा है आपको, 500 केल्विन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स दैट इज T, तो सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ सोर्स फाइंड आउट कर लेंगे अपन, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो 500 डिवाइडेड बाय TS 1 − 1/2, यानी कि 500 डिवाइडेड बाय TS हो जाएगा किसके इक्वल, 1/2 के इक्वल, 2 को इधर ले आते हैं तो TS की वैल्यू आ जाएगी 1000 केल्विन के इक्वल, और इसको अपन सेकंड पार्ट के अंदर यूज करेंगे, अब हमारी एफिशिएंसी होगी 60%, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 100, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1, नया जो सिंक का टेम्परेचर है वो हमें फाइंड आउट करना है, और सोर्स का टेम्परेचर क्योंकि सेम रखा गया है तो कितना था वो 1000 जो कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर निकाला था, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं इसको इधर ले जाते हैं, तो सिंक का जो टेम्परेचर है डिवाइडेड बाय 1000 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 − 60 डिवाइडेड बाय 100, 100 − 60 करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 100, इससे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो सिंक का जो टेम्परेचर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 400 केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं कार्नोट इंजन की जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इनसे बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इधर से उधर बस पटकना है इन्फॉर्मेशन को। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज गामा, और ये होता भी है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V टू 2V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P इज, तो
सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये पता लगाना है कि इसमें जो प्रोसेस डिस्क्राइब करी गई है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि कैसी प्रोसेस है, वो आइसोबारिक प्रोसेस है। अब आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर जो हीट आप देते हो वो दोनों ही चीज़ों के अंदर यूज आती है, वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम में भी आती है और साथ ही साथ में वर्क करने के काम में भी आती है। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो फ्रैक्शन है, जो आपने हीट दी है उसका कितना फ्रैक्शन जो है इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हमने पढ़ा था DU/DQ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/γ के इक्वल होता है। तो इससे पता पड़ गया कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी यानी कि DU जो होगा वो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगी, ΔQ/γ के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हो जाएगी µ(Cp)Δt/γ। आप देखोगे कि जो आंसर आपका आया है वो तो ऑप्शन के अंदर दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा, तो आपको पता लगाना है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें टेम्परेचर की फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, तो हमें टेम्परेचर को गायब करना पड़ेगा, आइदर प्रेशर और वॉल्यूम और दोनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ में हमें सीपी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ में हमें म्यू की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हमें केवल और केवल कन्वर्जन करना है। ये सबसे पहले कन्वर्जन देखेंगे, क्योंकि पीवी किसके इक्वल होता है, µRT के इक्वल होता है, तो दोनों तरफ जब आप, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है तो बाद में प्रेशर कितना हो गया, पी रहा प्रेशर, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 2V हो गया, और ये म्यू और आर तो कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर T1 था और ये टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो P तो कांस्टेंट है, 2V में से V चला जाएगा तो V बचेगा, इधर म्यू आर कांस्टेंट है और इधर आ जाएगा T2 - T1, और T2 - T1 को आप लिख सकते हो Δt, ये तो है चेंज इन टेम्परेचर। तो Δt की जो वैल्यू है वो हो जाएगी P×V/μr। तो एक काम तो हमारा हो गया कि हमने Δt को प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाहिए। तो इससे इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा वो आ जाएगा µ×Cp×Δt, Δt की जगह अपन रिप्लेस कर देते हैं, Δt की जगह आया है PV/μr, और गामा जो है वो पहले से नीचे है, म्यू से म्यू भी कैंसिल हो गया, हमें म्यू को हटाने की अब जरूरत ही नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ तक, PV×Cp×γ×r। अब नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि हमें सीपी को कन्वर्ट करना है गामा और आर की टर्म्स में। तो हमने, सबने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि Cp−Cv जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। सीवी को नहीं लाना अपनों को, तो अपन क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को सीपी से डिवाइड कर देते हैं। इसको सीपी से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको सीपी से डिवाइड करेंगे तो CV/Cp आ जाएगा, और इसको सीपी से डिवाइड करेंगे तो R/Cp आ जाएगा। हालांकि मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, बट अगर आपको वो याद ना हो तो आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये CV/Cp किसके इक्वल होगा, 1/γ के इक्वल होगा, तो R/Cp हो गया, यानी कि Cp/R की जो वैल्यू है ठीक है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, γ/γ−1 के इक्वल आनी चाहिए। अब ये तो हमने डिराइव करा है, जबकि मैंने आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला बताया था कि जो सीपी होता है वो γ×R/γ−1 के इक्वल होता है, और जो सीवी होता है वो R/γ−1 के इक्वल होता है। डायरेक्ट भी पता है, बट अगर नहीं पता हो और आप भूल जाओ तो इस तरीके से निकाल सकते हो। तो अब अपन Cp/R की जगह क्या रख देंगे, PV/γ, और Cp/R की जगह रख देंगे γ/γ−1। गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा PV/γ−1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको नीट के अंदर हो सकता है पूछे जाए। और हमने जो बहुत कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, जो थर्मोडायनेमिक्स का मैप बनाया उसके बेसिस पे हमने देखा कि यार बहुत आसानी से ये अलग अलग कैटेगरी के जो क्वेश्चंस है वो टारगेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू आर एन्जॉइंग दिस मोस्ट वांटेड सीरीज, आई होप यू आर फाइंडिंग इट बेनिफिशियल।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।